Namaskar and welcome to our program. We begin as always with the thought of the day. एक चित्र हजार शब्दों के बराबर होता है. Our guest today makes pictures which are worth a million words, and she transcends both time and space and takes us into other dimensions. But before we meet her, a look back at the history of the day. महान स्वतंत्रता सेनानी और प्रख्यात समाजवादी नेता श्री राम मनोहर लोहिया का जन्म आज ही के दिन 1910 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ था. 1931 में आज ही के दिन महान क्रांतिकारी नेता भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी. 1986 में आज ही के दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में महिलाओं की पहली कंपनी को प्रशिक्षित किया गया था. आज ही के दिन 2012 में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतकों का कीर्तिमान बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने. लेट्स मीट आवर गेस्ट टुडे. शी इज अ मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी. वी नो हर थ्रू हर पेंटिंग्स, थ्रू हर आर्ट वर्क, थ्रू हर राइटिंग्स ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड ऑफ कोर्स एज अ नीस ऑफ द ग्रेट ओशो. प्रतीक्षा अपूर, वेलकम टू आवर प्रोग्राम. ओशो के परिवार में जन्म लेना अपने आप में ही एक बड़ी बात है. बहुत बड़ी बात है. बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मैं मानती हूँ कि उनके परिवार में उनके छोटे भाई की बेटी के रूप में मैंने जन्म लिया. और बचपन से ही फिर उन्हीं के गाइडेंस में हम लोग पले बड़े हुए, तो डिफरेंट तरह का एक एक्सपोज़र मिला जो आम बच्चों को नहीं मिल पाता. मेरे अंदर बहुत पीड़ा होती है आज के बच्चों को देख कर कि किसी भी बच्चे को मैं खुश नहीं देख पा रही हूँ. किसी न किसी स्ट्रेस में है, वो दुख में जी रहे हैं, टेंशन में है. मैंने अपनी पूरी लाइफ में शायद ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया होगा कि मैं बोर हो रही हूँ. आज के बच्चों से सुनते हैं वो बोर हो रहे हैं, वो टेंशन में हैं, वो स्ट्रेस में हैं. तो ब्रेन हमारे 5 तरह के हार्मोन रिलीज़ करती है. सबसे पहला हार्मोन जो होता है कि नींद प्रॉपर नहीं मिलती, अंधेरे में बच्चे आजकल कम रहने लगे हैं. मेलाटोनिन करके एक हार्मोन होता है जो ब्रेन रिलीज़ करती है. इसमें क्या होता है कि आप अंधेरे में रहेंगे और प्रॉपर नींद लेंगे. 70 साल पहले जो लोग सो पाते थे, आज उसकी परसेंटेज 1 घंटे कम हो गई है सोने की. जब आप प्रॉपरली सो नहीं पाते हैं तो आप के अंदर खुशी नहीं हो पाती है. जैसे ही आपकी नींद पूरी होती है तो ये ब्रेन इमिजिएटली ये हार्मोन रिलीज़ करता है, मेलाटोनिन. और इसी तरह स्पोर्ट्स में आज के बच्चे बहुत कम इंटरेस्ट लेने लगे हैं, अपने मोबाइल पे लगे हैं या कंप्यूटर पे लगे हैं, वीडियो गेम पे लगे हैं. तो दुख होता है देख के. स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ या जब हमारी बॉडी एक्सेस में एक्टिविटी करती है, पसीना आता है हमें और बॉडी में पेन होता है. जब ये पेन ख़त्म करने के लिए ब्रेन एक हार्मोन रिलीज़ करता है, एंडोर्फिन. और सरकार बहुत अच्छा है कि नए पाठ्यक्रम में ला रही है प्रसन्नता बच्चों में कैसे रखी जाए. तो बच्चों में भी ये नॉलेज होगी तो उन्हें अच्छा लगेगा. विविधता हमें हर चीज़ में चाहिए. मोनोटोनस लाइफ हम नहीं जी सकते हैं. जैसे मैं खुद नहीं जी सकती हूँ और मैं इसीलिए सोचती हूँ शायद इतनी खुश रहती हूँ. जैसे ये साड़ी है, सिंपली एक प्लेन साड़ी थी, मैंने इस पर ओशो के सिग्नेचर पेंट कर दिए. वाह, तो एक डिफरेंट चीज़ हो गई. वो आपको एक खुशी मिल जाती है और ब्रेन ने इमिजिएटली आपका डोपामाइन एक हार्मोन होता है वो रिलीज कर देता है. पहले के टाइम में माँ बाप बच्चों को इतना टाइम देते थे, इतना स्पेस देते थे, बच्चों की मालिश करते थे. तो मालिश के कारण ब्लड सर्कुलेशन तो ठीक होता ही है, पर साथ में एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो ब्रेन इमिजिएटली रिलीज करता है. उसको उससे प्रसन्नता मिलती है. हम खुद भी सोचते हैं मसाज करके हम कितना रिलैक्स फील करते हैं और प्रसन्न फील करते हैं. मतलब आज के दिन तक भी मैं मसाज कराती हूँ, मुझे लगता है मैं कितनी खुश हो जाती हूँ क्योंकि ब्रेन ने वो इमिजिएटली रिलीज कर देते हैं. ब्रेन के बॉडी के अपने पूरे फंक्शन है, पूरा डिफेंस मैकेनिज्म है, पर हमें थोड़ी सी नॉलेज नहीं होती है. और एक और होता है सेरोटोनिन जो करुणा दर्शाते हैं. तो करुणा भाव भी कहाँ रह गया है आज के दिन में लोगों के लिए. बिल्कुल नहीं. हम किसी के प्रति थोड़ा सा करुणा से देख लेते हैं या करुणा उस पर बरसा देते हैं. या मैं पेंटिंग एग्जीबिशन में देखती हूँ लोगों को आते हुए और उनको देख के इतनी खुशी मिलती है. जब मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ, मैं उनके प्रति करुणा से भर जाती हूँ और मेरे अंदर ब्रेन रिलीज कर देता है वो हार्मोन, तो मुझे एक अलग तरह की खुशी मिलती है. आपने ये बहुत अच्छी बात कही क्योंकि देखा जाए तो हम लोग खुशी ही तो ढूंढ रहे हैं, हर कोई अपने तरीके से ढूंढ रहा है. और आपने जो बात कही ये सब कितनी साइंटिफिक है, साइंटिफिक कि ये इट्स नॉट एब्स्ट्रैक्ट.
हाँ साइंटिफिक है, क्योंकि हम खाली धर्म की और अध्यात्म की बात करें तो शायद लोगों को समझ में नहीं आए, पर उसको साइंस से जब जोड़ देते हैं तो सब लोग समझते हैं कि ये साइंटिफिकली प्रूवन कोई चीज़ है। क्योंकि आप आध्यात्मिक चीज़ें जैसे मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं, मैं दूसरों को प्रूव नहीं कर सकती हूँ वो चीज़ें। आई कैन ऑनली पेंट कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया, वो भी एक पार्ट पेंट कर पाती हूँ, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो इतना वास्ट होता है कि कलर्स में और कैनवास पे लाना इट्स रियली डिफिकल्ट। एंड ऑल्सो व्हाट योर एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंसिंग इज मल्टी डायमेंशनल, तो उसे आप दो डायमेंशंस में या तीन डायमेंशंस में कैसे उतार पाएं, ये तो हो ही नहीं सकता है जी। पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि एक वाइडर ऑडियंस को रीच कर सकूँ जी। तो शब्दों में कहना बहुत कठिन है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आपने किया है जी। फिर भी मैं लिखती हूँ कि शब्दों की बहुत लिमिटेशन है और जो आप एक्सपीरियंस करते हैं वो बहुत ब्रॉड और बहुत वास्ट होते हैं। वापस चलते हैं बचपन की ओर, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंशियल जिंदगी जीना ये आपने ओशो से सीखी। अपनी फैमिली में आप पहली थी सदस्य जिन्होंने संन्यास लिया, ओशो से संन्यास लिया। एंड यू वर हार्डली 11 एट दैट टाइम। हार्डली 11, मैं अपनी दादी के साथ पूना आश्रम आई हुई थी और मेरा भी वहाँ का एनवायरमेंट देख के और लोगों के अंदर खुशियाँ देख के और टोटली डिफरेंट एटमोसफेयर देख के मेरा भी मन हुआ कि मैं भी संन्यास ले लूँ। तो समझ भी नहीं थी उतनी छोटी उम्र में, तो पर प्रॉपर संन्यास का मतलब क्या है, क्योंकि मतलब ओशो के लिए अलग मतलब था संन्यास का। ओशो का मतलब कि आप इस संसार में रहें और इस संसार की सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें और डिटैच्ड रहें, आप किसी माया किसी मोह में ना पड़ जाएं। तो हमेशा उन्होंने इनर और आउटर वर्ल्ड के रिचनेस की बात कही हुई है कि आउटर भी उतना ही ज़रूरी है जितना इनर ज़रूरी है, पर सब कुछ आप इस्तेमाल कहिए रहिए पर अटैच मत हो जाइए किसी चीज़ से। मेरा मैं कर्ता भाव वो नहीं होना चाहिए। तो बहुत बचपन से, या कह लूँ मैं तो ये कहती हूँ मेरे ब्लड में है कुछ चीज़ें तो मुझे सीखनी नहीं पड़ी, क्योंकि ओशो पूरे के पूरे मेरे ब्लड में है, मेरी बीइंग में है, मेरे जीन्स में है, तो बहुत इजी हो गया मेरे लिए। लेकिन 11 साल की बच्ची के लिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं सारे समझना, संन्यास लेना, क्योंकि बच्चों की आप उसी वक्त सबसे ज़्यादा ग्रास्पिंग पावर होती है आपके पास। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ग्रास्पिंग पावर कम होती जाती है। आज की एज में यदि मुझे कुछ कोई समझने को कहे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, पर यही चीज़ें बचपन में सीख लें तो बहुत ईजीली आप लाइफ को आगे चला सकते हो। और मैं बहुत एग्जिस्टेंस के प्रति ग्रेटिट्यूड रखती हूँ कि ऐसे परिवार में जन्म हुआ कि बचपन से ही सारी चीज़ों का एक्सपोजर मिल गया। पर जब आप छोटी थी क्या आपको मालूम था कि ओशो इज समवन डिफरेंट, इज नॉट लाइक द अदर अंकल्स? इसलिए क्योंकि पापा से बड़े थे और घर में सबसे बड़े ही थे वो, तो सब लोग उनसे ही राय के लिए जाते थे। तो एक चीज़ तो समझ में आती थी कि वो कुछ डिफरेंट है। इतनी समझ तो नहीं थी बचपन में कि कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया है या पा लिया, वो तो एज के साथ समझ में ग्रेजुअली आया। और आश्रम में फिर डिफरेंट टेक्निक्स देखी मेडिटेशन की, वो सब अपने ऊपर बहुत बचपन से ही की हैं, तब एज के साथ साथ समझ में आती गई चीज़ें। आप कहें 11 साल की उम्र में तो नहीं, उस वक्त समझ नहीं थी। तो व्हाट डू यू टू टेक संन्यास विद हिम एट दैट टाइम? उन्होंने कहा तो आपने ले लिया? उन्होंने नहीं कहा, मैंने खुद उनको कहा कि मैं भी संन्यास लेना चाहती हूँ। अच्छा। तो उन्होंने फिर ये कहा, मम्मी से पूछा है तुमने? क्योंकि मैं दादी के साथ आई थी पूना, मम्मी अभी MP में ही थी। अच्छा। तो मैंने कहा आप हैं तो फिर मम्मी से क्या पूछना। अच्छा। सो देन ही अंडरस्टूड कि आई हैव लाइक ग्रेट यू नो एवरीथिंग फॉर हिम एंड ही इज़ फाइनल अथॉरिटी इन माई लाइफ ऑलवेज। तो उन्होंने संन्यास दिया, नाम दिया। फिर बहुत लंबी माला होती थी जो, क्योंकि बड़े लोग ही संन्यास अक्सर लेते थे, बच्चे उन दिनों तक बहुत कम लेते थे। तो जैसे ही मैंने संन्यास लेके पैर छूने के लिए झुकी तो माला का जो लॉकेट था वो फ्लोर से खट करके और पिन ड्रॉप साइलेंट में वो इतनी तेज खट हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि ओ ये क्या हो गया। तो उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को तुरंत कहा, लक्ष्मी कल इसको माला शॉप में ले जाना और बच्चों के लिए अब से जो माला दी जाएंगी वो प्रतीक्षा डिज़ाइन करेगी। तो 11 साल की उम्र में शायद उन्होंने कहीं वो चीज़ मेरे अंदर देख ली थी कि मैं डिज़ाइनिंग भी कर सकती हूँ, कि आपका भविष्य उस तरफ को जी, मतलब क्रिएटिविटी शायद उन्होंने देख ली थी उस वक्त ही। आपका नाम भी उन्होंने दिया? आपको नाम भी, वो तो सारे बच्चों का नाम बर्थ जैसे ही घर में बच्चा जन्म लेता था और ओशो के पास खबर जाती थी या वो होते थे वहाँ, तो इमीडिएटली नाम दे दिया जाता था। तो नाम का भी बहुत सार्थक लगता है मुझे मेरे लिए, क्योंकि मैं घंटों प्रतीक्षा कर सकती हूँ, महीनों प्रतीक्षा कर सकती हूँ किसी चीज़ के लिए, और उसमें इतनी पेशेंस आ गई है मेरे अंदर। जो आपने कैनवास देखे हैं मेरे, तो
तो कैनवास दर्शाते हैं कि कोई पेशेंस हो तभी इतना काम कर सकता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप एक दिन में आठ आठ घंटे पेंटिंग करती हैं। डेली ऑलमोस्ट पेंट करती हूँ, और वो मेरे लिए एक साधना की तरह है पेंटिंग सारा का सारा। ये नहीं है कि मैं काम समझ के उसको कर रही हूँ या कोई बर्डन है, नहीं, जो उससे इंजॉयमेंट मिलता है, जो फुलफिलमेंट मिलता है मुझे, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती हूँ मैं जी कि क्या। लोगों को लगता है आठ घंटे कैसे कर लेती हो, और इवन लाइक कोई छुट्टी नहीं, मैं संडे को भी काम करती हूँ। लोग कहते हैं संडे को भी एक दिन तो छुट्टी कर लो। छुट्टी उस काम में होती है जहाँ आपको कोई जबरदस्ती कुछ करा रहा हो। और ये तो काम नहीं है, ये तो मेरे लिए काम नहीं है, ये साधना की तरह है। आपने अपनी साड़ी मेंशन की, इस पे ओशो का सिग्नेचर है जी। तो दूरदर्शन ने भी उन पे एक फिल्म बनाई है उनकी किताबों पर, जिसमें वो जब किताब पढ़नी शुरू करते थे तो उसमें साइन करते थे, और जब खत्म करते थे तो फिर साइन करते थे, एंड इट वाज वेरी आर्टिस्टिक। तो क्या आपको लगता है ये भी आपने उनसे ग्रहण किया है, और इज इट पार्ट ऑफ योर जीन? वो बहुत आर्टिस्टिक थे, उनके सिग्नेचर देख के ही आप समझ सकते हो कितने आर्टिस्टिक वो लिखते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी साड़ी पे पेंट कर दूं, क्योंकि मुझे हर दिन कुछ जिंदगी में नया चाहिए, हर पल कुछ नया चाहिए। कैनवास पे हूँ तो सब कुछ नया है ही, कलर्स में कुछ नहीं होता चेंज करने का, तो घर के सोफे में इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में चेंज कर देती हूँ। कई तरह के कुशंस मैंने घर में रखे हुए हैं, कुछ एम्ब्रॉयडर्ड, कुछ पेंटेड, खुद पेंट कर देती हूँ उन पे, तो उससे एक नयापन आता है। इसमें दोनों बात है, एक नयापन भी होता है और एक देखा जाए तो डाइकोटमी है, एक तरफ तो पेशेंस है, एक तरफ रेस्टलेसनेस है। रेस्टलेसनेस बिल्कुल नहीं है मेरे अंदर। अच्छा, बिल्कुल नहीं। तो ये जो नई पेंटिंग्स है आपकी, जो हाल ही में एग्जीबिशन शुरू हुई है, ये पेंटिंग्स कौन सी हैं, इनका क्या टाइटल दिया है आपने? इसका टाइटल है मिस्टिकल मोमेंट्स। इसमें ध्यान के दौरान या इतने सालों में जो मुझे अनुभव हुए हैं और ब्लिस, मुझे इनर ब्लिस प्राप्त हुई है, वो मैंने एक्सप्लेन की हुई है। जैसे हम फाइव सेंसेस, आउटर सेंसेस होती हैं, आँखों से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, नाक से सूंघते हैं, टच भी बाहर से मिलता है, सब कुछ बाहरी आउटर सेंसेस इनको हम कहते हैं। पर जब यही हम एनर्जी को रीडायरेक्ट अंदर की ओर कर लें तो हम इनर से कनेक्ट हो जाते हैं, आज्ञा चक्र से कनेक्ट हो जाते हैं। ये ओशो ने डिस्कोर्स में मैंने सुना उनका, पर ये नहीं है, मतलब आई डोंट बिलीव इन एनी बिलीव। तो सिमिलरली ओशो के साथ भी मेरा यही है, पूरी श्रद्धा है, पूरा भाव है, सब कुछ है, पर उन्होंने जो शब्दों में कहा है, फिर भी मुझे लगता है मुझे अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट जरूर करना है इसको। ओशो खुद ये कहते थे कि मैंने कह दिया तो उसको सच मत मानो, हाँ, अपने पे एक्सपीरियंस तो करो। वहीं से तो उनसे ही ये बात सुनी कि अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, और आपको लगता है फिर तो आप उसको मानिए, और जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसमें मानने की कोई बात नहीं रह जाती, वो आपका सत्य बन जाता है फिर। आपने पेंटिंग्स की इतनी बात की, तो ये इसकी इनॉग्रेशन हुई 18 तारीख को माननीय लोकसभा स्पीकर श्रीमती सुमित्रा महाजन जी ने की इसकी इनॉग्रेशन की, तो आइए उसकी एक रिपोर्ट देख लें पहले। जी,
माई पेंटिंग्स आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे दैट वी नीड टू ओपन टू ऑल डायमेंशंस ऑफ अवर लाइफ एंड ऑलवेज रिमेन अवेयर ऑफ अवर इनर पोटेंशियल. जस्ट लिव लाइफ इन टोटल बैलेंस एंड आई एम श्योर जैसे ही ये बैलेंस आता है मनुष्य के लिए जीवन का परिपूर्ण संगीत उपलब्ध हो जाता है. मिस्टिकल मूवमेंट्स की है 50 पेंटिंग्स जो ध्यान की लयबद्धता से बनी, ध्यान के केंद्र बिंदु पर सजी. ये पेंटिंग्स हमारे जीवन में थोड़ी और सृजनात्मकता, थोड़ा और सौंदर्य, थोड़ी और मानवीयता और करुणा बरसाएंगी. जो व्यक्ति ओशो से बचपन से एनलाइटेंड है, इंस्पायर्ड है और अपने मन के भाव कैनवास पर ला नहीं रही है, कैनवास से एक रूप हो रही है एक प्रकार से, तो मैं उसमें बोल के कुछ कर सकती हूँ क्या? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू सी, एंड अगेन हमें ये उसको कहीं ना कहीं अपने अंतर मन में उसको प्रकाश के रूप में लेना है. सो देर इज नो डायलॉग एट ऑल वट एवर आई फील. मुझे बताया कि जैसे जब भी मैं पेंटिंग करने बैठती हूँ या किसी कैनवास के सामने बैठती हूँ तो मैं अक्सर मैं ओशो के जो प्रवचन है उन्हीं को मैं सुनती हूँ, तो सुनते ऐसा कुछ हो जाता है कि मैं वहाँ खो जाती हूँ और मैं नहीं रह जाती, मेरे में एक अंश भी नहीं बचता जो पेंटिंग कर सके और पेंटिंग मेरे थ्रू आ जाती है कैनवास पे, तो उसका अपना एक फिर वो करिश्मा दिख जाता है इन पेंटिंग्स में. पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं और सबसे बड़ी बात जो स्पिरिचुअलिटी झलकती है उनसे पेंटिंग से वो आप फील कर सकते हैं. सिर्फ रेखांकन नहीं है, सिर्फ रंग नहीं है, उसके अंदर जो मैसेजेस हैं स्पिरिचुअलिटी के, ओशो जी के जो मैसेजेस हैं वो आपको बड़े अच्छे से फील होते हैं. मैं इसको महसूस करने की कोशिश कर रही हूँ, इसको महसूस कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही डीप सेंस से ये पेंटिंग्स करी हैं और मैं काफ़ी देर से इनके फॉलोअप करती रहती हूँ, इनके आर्टिकल्स आते रहते हैं. मैं प्रतीक्षा जी का काम शुरू से ही देख रही हूँ और उसमें जितने सुंदर भाव, रंग और उन सब का एवोल्यूशन, इतना ग्रोथ मुझे दिखाई दे रहा है और उनके रंग और भावों से जो खूबसूरत पेंटिंग्स उभर के आ रही हैं उसको देख के मन करता है कि मेडिटेट करो. Exhibition based on spiritual experiences and meditation, so I'm very glad to be part of this. Oh,
What is it that you think attracts so many people? मेरा काम एकदम different काम है क्योंकि ये meditative art के नाम से जाना जाता है और जहाँ बचपन से meditation किया हुआ है और experiences अपने paint कर रही हूँ, inner bliss को paint कर रही हूँ, जो मुझे नहीं लगता कि कोई artist ध्यान में उतर के या ध्यान की गहराइयों से उन पे paint कर रहा हो, तो एक तो different बात ये हो जाती है मेरी paintings में. और दूसरा, पुराने स्क्रिप्चर्स में, ओल्ड स्क्रिप्चर्स में जो चीज़ें कही हुई हैं, संस्कृत के जो श्लोक्स हैं, उनको मैंने लिख के और उन सब्जेक्ट्स पे पेंटिंग बनाई हुई है. उसका भी एक पर्पज़ है क्योंकि आज की जनरेशन को तो उपनिषद क्या है शायद वो भी मुझे नहीं लगता कि पता होगा. और मेरा बहुत कंसर्न है बच्चों के लिए, इस जनरेशन के लिए. सब चीज़ों की रेवोल्यूशन हो चुकी है और धर्म की जब आध्यात्म के रेवोल्यूशन की मैं बात करती हूँ कि एक एक इंसान को अपने इनर में, बीइंग में चेंज लाना होगा. तो जो बड़े हो गए हैं वो तो बीइंग में चेंज ला सकते हैं ध्यान करके, ध्यान के माध्यम से. पर जो बच्चे हैं, यदि उनको बचपन से ही हम ये ट्रेनिंग मिल जाए कि कैसे खुश रहो, जब खुश रहेगा कोई तो अपने आप आध्यात्म की ओर बढ़ ही जाएगा. वो हम आपकी पेंटिंग्स में देखते हैं, इट गोज बियॉन्ड रिलीजन, देयर इज नो रिलीजन. हाँ, वो तो आध्यात्म तो आप अंदर की बात अंदर है की पूरी. रिलीजन तो फिर भी बाहर की, आप बुद्ध हुए, महावीर हुए, कृष्ण हुए, राम हुए, ये सब लोग हुए, वो ओरिजिनल थे. अब उनको जो फॉलो कर रहे हैं वो एक धर्म बन गया है. तो धार्मिकता आपके अंदर होना चाहिए. आप किसी भी धर्म को फॉलो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, धार्मिकता आपके अंदर होगी. और जब आध्यात्म की मैं बात कर रही हूँ, वो आपके इनर से कनेक्शन की बात कर रही हूँ कि आप अपने आप को जान लीजिए. हम हमेशा दूसरों की बातें करते हैं, अपने बारे में कोई बात नहीं करता है कभी भी. अच्छा, जिस तरह के आप कलर्स इस्तेमाल करती हैं, योर पेंटिंग्स आर वेरी लार्ज. दिस कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट यू नेवर लर्नड पेंटिंग. नहीं, बिल्कुल नहीं सीखी है, कहीं से भी नहीं सीखी है. बस ड्राइंग बचपन से इसलिए बहुत अच्छी हो गई क्योंकि ओशो ने शायद बहुत बचपन में देख लिया था मेरे अंदर और स्केच पेन उन्होंने गिफ्ट कर दिए थे मुझे 100. वो भी 10 साल के बच्चे को 100 स्केच पेन गिफ्ट में मिल जाएं और उन्होंने कहा तुम ड्राइंग किया करो. तो ड्राइंग शायद मेरी बचपन से बहुत अच्छी हो गई. और रंगों से आपका जीवन, रंगों से तो उन्होंने बचपन में ही भर दिया जैसे. और पैदा भी मैं होली वाले दिन हुई हूँ तो रंग लेके ही पैदा हुई हूँ अपने साथ. तो रंगों का ये संबंध हो गया और इसलिए बहुत कलरफुल पेंटिंग्स हैं मेरी. शेप्स भी मैंने अलग अलग दी हैं, कोई राउंड है, कोई ट्रायंगल है, कोई रेक्टेंगल है, कोई स्क्वायर है. एक तो मेडिटेटिव आर्ट जो देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन लोग उसको देखकर इतने अट्रैक्ट भी होते हैं और खुश हो जाते हैं. कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, तो सबसे सिंपल चीज़ है मेरे हिसाब से. जिसको ना समझ आए उसके लिए कॉम्प्लेक्स है. 99% टाइम दिन में मेरे अंदर कोई थॉट्स ही नहीं चलते हैं, तो घंटों बाद मुझे लगता है कि यार थोड़ी देर के लिए अब कुछ सोच लूँ. कई बार यह स्टेट होती है तो, और उसी स्टेट में सारी पेंटिंग्स पेंट करती हूँ. पेंट करते हुए ओशो के डिस्कोर्स सुनते हुए पेंट करती हूँ और जो उन्होंने शब्दों में कहा है अपने ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट करके. जैसा मैं अभी 5 सेंसेस की बात बता रही थी, वो बात भी अधूरी रह गई. तो जब उन्होंने कहा बियॉन्ड सेंसेस आप जा सकते हो, इन सेंसेस के बाहर, तब मैंने रोज़ 6 महीने तक अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया. आँखें बंद कर ली, कान बंद कर लिए, मुंह बंद कर लिया, टच वाली फीलिंग हटा दी. पर नाक को आप कितनी देर, नाक उन्होंने कहा कि हाथ से ही बंद करना है, किसी चिमटी या उससे नहीं कर देना है. तो हाथ आप बहुत देर तक नहीं कर सकते हो क्योंकि ब्रीदिंग का वो हो जाता है. 6 महीने के बाद मुझे ये अनुभव हुआ कि आपका आज्ञा चक्र से कनेक्शन हो जाता है, वो ब्रीदिंग का भी आपको उस वक्त पता नहीं होता है. तो आप सांस रोक के कितनी देर बैठ सकते, जब वो इनर से एनर्जी पूरी आपकी अंदर की ओर चली गई तो ब्रीदिंग भी उसमें कोई मैटर नहीं करता है. अच्छा, वही. और फिर इनर वर्ल्ड में जब आप पहुंच गए तो आउटर सेंसेस अपने आप एनर्जी पूरी रीडायरेक्ट. ये जो एवोल्यूशन है, जो 5 सेंसेस हैं, उससे आज्ञा चक्र तक जाना और उसके बियॉन्ड चले जाना, ये आपकी जो पेंटिंग्स में डिपिक्ट हुआ है बहुत खूबसूरती से हुआ है. और जो कलर्स आपने इस्तेमाल किए हैं, दे आर क्वाइट फैसिनेटिंग. कलर्स तो सारे ही फैसिनेटिंग होते हैं क्योंकि एक एक कलर हमारा एक एक चक्र से रिलेट करता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जिस चक्र पे मेरी एनर्जी रहती होगी मुझे ऐसा लगता है, तो वो कलर अपने आप ही आ जाता है मेरे पैलेट पे और उस कलर से ही मैं पेंट करती हूँ. तो एनर्जी के अलग अलग सेंटर्स हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी एनर्जी मैं फील करती हूँ कि 5th सेंटर पे होती है या 4th सेंटर पे होती है. तो बहुत ब्लू और बहुत ग्रीन भी इस्तेमाल किया हुआ है मैंने.
जो हार्ट चक्र है और हार्ट चक्र, चक्र है। जी, जी। और जब कभी सिक्स सेंटर पे होती है तो इंडिगो आ जाता है। सेवन तक तो अभी एक्सपीरियंस होना बाकी है, पर फिर भी मैंने इस्तेमाल किया हुआ है वो कलर भी, क्योंकि जब सातवां चक्र आप दिखा रहे हैं तो वायलेट कलर ही यूज़ करना होगा उसके लिए। चक्रों पे मैंने बहुत पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, क्योंकि एक एक चक्र हमारा मूड्स भी बदलता है। हम कभी कितने अपसेट हो जाते हैं, कभी इतने खुश हैं। हार्मोन की एक अपनी बात है, पर मूड्स भी क्यों चेंज होते हैं हमारे, और हम खुद चेंज कर सकते हैं उनको कलर्स के द्वारा, क्योंकि एक एक सेंटर एक एक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि आपको लग रहा है कि आपको बहुत गुस्सा आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी एनर्जी कौन से सेंटर पे, और वहाँ से आपको सिर्फ विटनेस करना है उस एनर्जी को। आप विटनेस करके ऊपर वाले सेंटर्स पे ले जा सकते हैं उनको, और आप देखेंगे कि एंगर तो बेस चक्र पे, होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, पर ओशो ने जैसा कहा, मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि डोंट सप्रेस इट, डोंट एक्सप्रेस इट, जस्ट विटनेस इट। तो उसको विटनेसिंग मोड में चली जाती हूँ उस वक्त में। इसकी तरकीब क्या है? विटनेसिंग मोड में जाके आप साक्षी भाव से उसको देख लो कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, उसकी रूट में आप जाइए, क्योंकि आपको दूसरे पे नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं है अपने अंदर ही वो बात। हम निकाल देते हैं दूसरों पे, कोई नहीं मिलता है तो सर्वेंट पे निकाल देते हैं। तो एक्चुअली जो आपसे नीचा होगा, आप उसकी उस पर ही गुस्सा निकाल सकते हैं हमेशा। पर आप वॉच करें तो रूट पे जाएं, तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर की कमी है। तो उसको मैं साक्षी भाव से देखती हूँ कि क्यों है ये गुस्सा, मुझे क्यों आया, और उसको वहीं ख़त्म हो जाता है। एक्सप्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं, सप्रेस भी नहीं किया मैंने उसको, क्योंकि ये आपके एक्सपीरियंसेस हैं और हम चाहते हैं कि हम सब इनको शेयर करें। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर गुस्सा आए या कुछ भी हमारे साथ घटे, तो हमें लगता है इसमें हमारा कसूर नहीं है। हम अपना ही तो नहीं देखते, हमेशा दूसरों को देखते हैं। यही मेरी पूरी लाइक पूरे समाज की, पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम ही है कि वो दूसरों को देखते हैं। अपने पे यदि वही फोकस कर लें तो पूरी दुनिया की मतलब शांति और का एनवायरनमेंट हो जाए। सब लोग, मैं सोचती हूँ 24 घंटे में एक घंटा भी अपने लिए दे लेना, एक घंटा भी मेडिटेशन कर लें। शुरुआत 10 मिनट से कर लें, उनको चेंज पता लगेगा, और उनके बाकी 23 घंटों में काम करने की क्वालिटी में फ़र्क आ जाएगा फिर। तो किस तरह से एक बेसिक मेडिटेशन अगर कोई करना चाहे तो क्या बेसिक करें? तो आप अपनी सांस पे ही ध्यान देके, सबसे इजी होता है कि आप अंदर जा रही है बाहर आ रही है, यदि उसको भी आप साक्षी भाव से देख लें, और उस वक्त में आपको कोई थाट नहीं आए, स्टेट ऑफ नो माइंड में आ जाए, तो इससे बेटर कोई चीज़ नहीं है। सबसे ईजी है, कहीं भी बैठ के, मार्केट प्लेस में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी आप अपने सांस पे ध्यान दे सकते हो कि अब अंदर गई, अब बाहर आई, और एक टाइम आएगा कि सांस जा रही है, बाहर है, आप सिर्फ विटनेस करोगे उसको। और आएंगे थॉट्स, आएंगे, क्योंकि हमारा मतलब सूर्य की किरणों से भी ज़्यादा तेज हमारा दिमाग घूमता है, मन घूमता है। अभी यहाँ है तो अगले मिनट में अमेरिका पहुँच जाता है। मैं जो पेंट कर रही हूँ वो पूरे कॉन्शियसनेस के लेवल पर कर रही हूँ, माइंड के स्तर से हट के कर रही हूँ। ये भी आपकी पेंटिंग्स में हमने देखा है कि सेवन डायमेंशन जो हैं कॉन्शियसनेस की, उस पर आपने बहुत काम किया है। सेवन लेयर्स होती हैं कॉन्शियसनेस की, तीन लेयर्स आपकी जब आप सेल्फ हिप्नोटिज्म पे काम करते हो या किसी को हिप्नोटाइज करना हो तो उसके लिए काम करते हैं। कॉन्शियसनेस की सेंटर में लेयर होती है, उसमें पहले आप अनकॉन्शियस लेयर में जाते हैं, फिर कलेक्टिव अनकॉन्शियस, फिर कॉस्मिक अनकॉन्शियस। तो वो एक प्रोसेस मैंने पूरा अपने ऊपर किया है। और जब ध्यान की गहराइयों में आप जाते हो तो सुपर कॉन्शियसनेस, सुपरा कॉन्शियसनेस और कॉस्मिक सुपर कॉन्शियसनेस। तो ये सातों लेयर्स जब ओशो ने समझाई, तो पहले तो मैंने नोट किया उनको कि क्या लेयर्स हैं, फिर अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। तो अलग अलग एक्सपीरियंस हैं, हर लेयर का अलग एक्सपीरियंस होता है। अनकॉन्शियस लेयर हमारी सबसे बड़ी लेयर होती है जी। उसमें पूरी दुनिया भर का आपका कचरा इकट्ठा होता है, और कई बार उन अनकॉन्शियस लेयर के जरिए भी और कलेक्टिव अनकॉन्शियस से भी मेरे पेंटिंग में बहुत सारी चीज़ें आई हैं जो मुझे भी पता नहीं लगता कि ये कैसे पेंटिंग में आ गई। कुछ चीज़ें तो मैंने आज तक देखी भी नहीं है जो मैं पेंट कर देती हूँ। कई लोगों से पता लगता है कि वो कहते हैं अरे आयरलैंड में इस तरह की जगह है, फलानी जगह है इस तरह, और मैंने वो जगह देखी नहीं है। पर कभी ना कभी किसी ना किसी बर्थ में मेरा वहाँ से कोई कनेक्शन रहा होगा जो मेरे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में, कॉस्मिक अनकॉन्शियस में आज भी मौजूद है। कि बहुत इतनी बारों में हमने कई बार जन्म लिए हुए हैं और सब कुछ हमारे अंदर होता है, पर जब उन लेयर्स को खुलने का मौका मिलता है तो वो कहाँ किस रूप में आती हैं, वो पेंटिंग देख के मुझे खुद पता लगता है कि ये ज़रूर कोई चक्कर है पिछले जन्म का मेरा। तो जब आप पेंट करती हैं उस वक्त आपकी क्या मनस्थिति होती है?
आर यू अवेयर दैट योर पेंटिंग क्या साधना में टोटल मतलब ओशो ने तो अवेयरनेस पे इतना बोला हुआ है हाँ. दो ही चीज़ें उन्होंने बेसिकली कही हैं कि अवेयरनेस से जियो और इस मोमेंट में जियो तो आपके अंदर सब कुछ आ जाएगा क्योंकि कुछ करने की जरूरत पास्ट तो है ही नहीं पास्ट है नहीं फ्यूचर का आपको पता नहीं और इस मोमेंट जो है यही सब कुछ है पास्ट का आप मतलब मैंने कभी किसी को खुश नहीं देखा पास्ट के बारे में जब वो बात करते हैं और निकल गया उसकी क्या बात करना वो तो चला ही गया और फ्यूचर में क्या आने वाला है आपके सामने मेरी लाइफ में इतने सरप्राइजेज हुए हैं लाइक फ्यूचर रिलेटेड जब हम बात करते हैं और मैं इतना आई कैन स्टिल वंडर टुडे मतलब आज के बच्चे वंडर करना भी भूल गए हैं उनको ये भी ध्यान में नहीं आता कि ये सूरज रोज कैसे निकल आता है फूल बीज हम डालते हैं तो फल कैसे आ गए उसमें फूल कैसे लग गए तो पहले का जो बच्चा था एक इनोसेंस थी उसके अंदर क्लीन स्लेट थी जिसको तबुल रसा कहते हैं टैब्यूला रसा हाँ हाँ और आजकल का बच्चा तो जैसे ट्रेंड ही पैदा हो रहा है ऐसा लगता है जो जनरेशन है एग्जिस्टेंस में उसके प्रति जो कंसर्न मुझे इसीलिए है कि हमने अपने नहीं किए पर जो एग्जिस्टेंस में बच्चे हैं उनके प्रति बहुत कंसर्न फील होता है क्योंकि उनके इनर में जो है उस पोटेंशियल को हम ग्रो नहीं होने दे रहे हैं सब लोग उन पर प्रेस कर रहे हैं एक सोसाइटी टीचर्स पेरेंट्स की अपने एम्बिशन बच्चों पे लाद रहे हैं जो बहुत गलत है मेरे हिसाब से आपकी एक पेंटिंग भी है जिसमें बच्चे को बाप ने उठाया हुआ हाँ उठाया हुआ और सीलिंग दिखा रहा उस छोटी सी उम्र में जब उसे सीलिंग का भी नहीं पता है आप दो महीने के बच्चे को उठा के सीलिंग दिखा रहे हो उसको कुछ नहीं पता वहाँ से आप एम्बिशन के सीड्स उसके अंदर बोने शुरू कर दिए तो मेरे हिसाब से एक टीचर्स की बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है कि उनको क्रांतिकारी होना पड़ेगा विद्रोही होना पड़ेगा थोड़ा अपील है मेरी आज के टीचर्स से कि उनको थोड़ा विद्रोही होके और बच्चों को ये ना कहें कि इस जैसा बन जाओ हर इंडिविजुअल इतना यूनिक है उसकी यूनिकनेस को हमें स्वीकारना चाहिए तो टीचर्स की बहुत रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है उनके अंदर उनका इनर क्या कह रहा है क्या पोटेंशियल है उस बच्चे के अंदर उसको हमें बहुत फोकस करना चाहिए एक्चुअली पेरेंट्स शायद इतना ना कर पाए जितनी टीचर्स के साथ ज़्यादा आई थिंक ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए क्योंकि पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन होती है स्कूल वालों की भी होती है एक्सपेक्टेशन ही तो गलत शब्द है ना एक्सपेक्टेशन बहुत गलत है क्योंकि वो बच्चे की ग्रोथ में बहुत बाधा हो जाती है एक इतना कॉम्पिटिशन हर जगह कॉम्पिटिशन आ गया है हर जगह प्रतियोगिताएँ आ रही हैं कि मेरे दो नंबर कम क्यों मेरे चार नंबर कम क्यों तो बच्चे के माइंड सेट पर बहुत गलत असर हो रहा है उस बात का इनफैक्ट ओशो कहा करते थे कि एक्सपेक्टेशन हमारे जो रिश्ते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं उनको भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन जड़ ही आप दूसरा शामिल हुआ आपकी ज़िंदगी में और वहाँ पर ही आप समझ लिए कि बर्बादी शुरू हो गई अपने आप से कनेक्शन रखना बहुत ज़रूरी है फिर आपकी एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं होगी आपको जो कुछ करना है आप अपने आप से तो पहले एक्सपेक्ट करिए कि आप पूरा कर पाएंगे ये हम दूसरों से करते हैं कि भाई ये हमारे लिए ये कर दे क्या हम उसके लिए उतना करते हैं कभी नहीं जब अपनी बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं बिल्कुल सही फॉलोअर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि एक जनरेशन में बच्चे नहीं होंगे बट ही ऑब्वियसली वांटेड यू टू बी मैरिड एंड यू फाउंड योर हस्बैंड एट द आश्रम हाँ उन्होंने कहा कि प्रेम का तो उन्होंने बहुत जोर दिया है कि प्रेम जिंदगी में बहुत ज़रूरी है प्रेम के बिना कुछ नहीं और प्रेम आपने पा लिया प्रेम आपने दे लिया प्रेम आपको मिल गया तो बाकी सारी प्रॉब्लम्स लाइफ की ख़त्म हो जाती हैं एक कंपेनियन बहुत ज़रूरी है लाइफ में मैं उन्हीं को इंसाइक्लोपीडिया मानती हूँ अपना क्योंकि सब कुछ उन्होंने उनसे ही सुना और जब उन्होंने इतना पढ़ा है उनकी पढ़ने की रीडिंग स्पीड इतनी थी कि हमें ऐसा लगता था सिर्फ वो पेज पलट रहे हैं दिन आइडेंटिक मेमोरी थी ना उनकी उनको याद रहता था फोटोजेनिक मेमोरी उनकी उनको सब कुछ उनकी मेमोरी में चला जाता था तो मुझे लगता है कि इतनी सारी चीज़ें तो हम नहीं पढ़ पाएंगे तो क्यों ना उन्होंने जो कहा है और इतने सरल शब्दों में समझाया कि बहुत इजीली समझ में आ जाता है तो सारी चीज़ें मैं इसलिए उनसे सुन के ही पूरा टाइम जब मैं पेंट करती हूँ तो उनके डिस्कोर्सेज मेरे स्टूडियो में चलते हैं आप सामने देख के तो किसी को भी प्यार कर सकते हो पर अलग अलग जनरेशन्स में अलग अलग इराज में पैदा होके आप उनको प्यार किया तो वो ट्रू सेंस में लव है उस पर भी एक पेंटिंग और बनाई है मैंने वो भी बहुत खूबसूरत है आपकी पेंटिंग हाँ विष का प्याला पी के भी मीरा जिंदा रही हाँ। कबीर का वो दोहा आपने सुना होगा पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित हुआ ना कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए तो उन्होंने वो ढाई आखर प्रेम का समझ लिया था और कृष्ण के प्रेम में टोटली वो जिसको लोग दीवानी या पागल या मस्तानी इस तरह से कहती थी वो एक हाइट है
वो ट्रू लव है, डिवाइन लव है उसको मैं ये कहूँगी, वो सब चीज़ों से पार है. और आज के समय में तो कुछ ऐसा देखने को मिलता नहीं और यही शायद ओशो हमको, ही वाज ट्राइंग टू टेक अस बैक टू दैट काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस वे यू ट्रांसेंड एवरीथिंग. प्रतीक्षा जी, हमने बहुत सी आपकी पेंटिंग्स की बात की, लेकिन ख़ास तौर पर जो योग है उस पर आपने काम किया जी. पतंजलि ने शुरुआत की थी जी इसकी, 5 एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं, तो एक एक एलिमेंट एक एक बॉडी को रिप्रेजेंट करता है. 5 बॉडीज भी हमारे अंदर हैं, जैसे अर्थ है वो फूड बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, फायर है वो एनर्जी बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, वाटर है वो मेंटल बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, माइंड को रिप्रेजेंट करती है, एयर है वो हमारी इंट्यूटिव बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, और इथर है वो हमारी ब्लिस बॉडी को रिप्रेजेंट करती है. जब इन सब का करस्पॉन्ड हो जाता है, आपस में मिल जाते हैं सब एक, तब कोई योगी योगी बन पाता है. तो पतंजलि ने ये कहा है कि डिसिप्लिन इज मस्ट, ये डिसिप्लिन होगा तभी कोई योगी बन सकता है. तो इन सब का जब तालमेल अंदर हो जाता है ना, तो अब हम देखते हैं योगा के नाम पे आज के दिन थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली, लोग समझते हैं योगा हो गया. नहीं, पूरे आपके अंदर का, सारे चक्रों का, सारी एलिमेंट्स का, सबका कोऑर्डिनेशन आपस में हो जाता है, तब कोई योगी योगी बन पाता है. शायद योगा का मतलब भी यही है कि इन सब चीज़ों की हार्मनी हो, हार्मनी होना, मिलना हो, मिलना होना चाहिए, तो योगी होता है इंसान. आपने ओशो की बहुत से जो उनके डिस्कोर्सेस हैं उन पर पेंटिंग की है, लेकिन ख़ास तौर पर जो एक ओंकार की बात है, जो हमारे सिखों के साथ जुड़ी हुई बात है, उस पर बहुत वर्क किया है जी. ओशो ने बहुत अच्छे डिस्कोर्सेस उन पे दिए हैं, जपजी साहिब पे तो ख़ास तौर पर. हाँ जी, और कई बार मैंने सुने होंगे बचपन से लेके अभी तक ही, पर जब मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ एक ओंकार नाथ का, मैं पेंट तभी कर पाई. अच्छा. एक्चुअली क्या होता है, दोपहर में रोज 3 बजे मैं एक आफ्टरनून नैप लेती हूँ, और जैसे ही नैप लेने के लिए लेटी तो बाजू वाले घर से मोटर उसी वक्त ऑन होती है, तो आवाज़ बहुत इरिटेट करती थी मोटर की. तो मैंने सोचा क्यों ना इस साउंड को मैं चेंज करके देखूँ. तो शुरू में कुछ दिन तक ओम का उच्चारण मैंने किया, और फिर उसके बाद नींद लग जाती थी मेरी. धीरे 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 मैंने अपने अंदर महसूस किया कि वो साउंडलेस साउंड में कन्वर्ट हो गई है, वो अब आई कैन हियर द ओम 24/7 विद इन मी. जब ये एक्सपीरियंस मुझे हुआ, देन ऑनली आई कुड पेंट. 2 पेंटिंग्स मैंने बनाई हैं, एक साउंडलेस साउंड और एक हार्ट बीट ऑफ द एब्सोल्यूट करके. उसमें कितनी बारीकी है, आपने छोटे छोटे उसमें ओम एक ओंकार सतनाम का एक सिंबल जो है वो बनाया हुआ है, और उसमें अपने आप ही मेरा एक साधना हो जाती है जब इस तरह का मैं काम करती हूँ, और वो नाद अंदर चल रही है और पेंटिंग उस पर बन रही है कैनवास पे. हिप्नोटिज्म होता है और किसी और को आप हिप्नोटाइज करते हैं. ये एक और कॉन्सेप्ट है जो मिसकंस्ट्रू होता है, लोग इसको गलत समझते हैं या समझते नहीं हैं. तो आपका अपना जो एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा कि आपका ऑपरेशन होना था, जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद डॉक्टर ने कहा पेन किलर्स पर रहना पड़ेगा, और पेन किलर लेना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे हमेशा से यह है बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है कि वो हर चीज़ खुद ही कर लेती है. पर फिर भी जब उन्होंने कहा 3 महीने का बेड रेस्ट, तो 3 महीने के बेड रेस्ट से मैंने कहा नहीं, ये नहीं होगा मेरे साथ. तो आज मैं क्यों ना, इतने टाइम ओशो का सुना है मैंने कि इन लेयर्स पे काम करें कॉन्शियसनेस की, तो वो पहला दिन था जब मैंने अपने ऊपर काम किया, और जब मैं पहुंची कॉस्मिक अनकॉन्शियस लेयर तक, वहां जाके आपको कमांड देना होता है कि बॉडी में कोई पेन नहीं है और मैं टोटली हील हो रही हूँ. आपको अल्फा स्टेज में ले जाना होता जी. उसके बाद फिर 7 दिन के अंदर मैं कैनवास पे वापस थी, डॉक्टर भी सरप्राइज्ड कि क्या हो गया है. ये सब एक्सपीरियंसेस जो मुझे हो रहे हैं या हुए हैं, पेंटिंग करने तक तो मैं लिमिटेड लोगों तक सीमित रह पाती हूँ. तो मुझे फिर फील हुआ कि मैं लिखूँ, तो स्पीकिंग ट्री के लिए आप लिख कि मैं लिखती हूँ फिर कि जो मैंने महसूस किए हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो पेंट किए हैं, शब्दों में कहना मुश्किल है, पर फिर भी मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ. और उससे अच्छा फिर अब एक मेरे ऊपर बुक लॉन्च होने वाली है, जिसमें मेरे 33 चैप्टर्स हैं, 59 पेंटिंग्स हैं. सून इट विल बी लॉन्च्ड. मोदी जी ने उसमें मैसेज दिया है, बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है उन्होंने. द मिस्टिक एंड हर कलर्स बुक का टाइटल होगा जी. शेयरिंग का जो मज़ा है ना, वो शेयर करके ही आता है, वही समझ सकता है. उसमें भी कोई हार्मोन पैदा करता होगा अंदर, जिसका भी नाम नहीं है, जिसका मुझे नहीं पता है, साइंटिफिकली प्रूवन हो गया होगा. ये हार्मोन्स भी मुझे रिसेंटली पता लगे. मेरे अंकल डॉक्टर हैं और आध्यात्मिक गुरु भी हैं शैलेंद्र,
उन्होंने मुझे समझाया कि तुम इतना खुश पता है क्यों रहती हो, क्योंकि तुम इतनी सारी वैरायटी में जीती हो, इतना सारा ये करती हो, तब मुझे पता लगा। तो ये तो हम सबके लिए भी एक प्रेरणा की बात है कि जहाँ तक हो सके जितनी वैरायटी हो सके, एक काम से अगर मन उब रहा है तो दूसरा काम कीजिए, उससे एक एनर्जी बनी रहती है। बिल्कुल बनी रहती है। अच्छा, एक पेंटिंग है, वैसे तो बहुत सी पेंटिंग्स में ये बात देखने को मिलती है, जिसमें आपने अनयूजुअल कलर्स यूज़ किए हैं, देयर आर पिंक्स एंड पीचेस, और उसमें आपने बताया कि वो आपके इनर वर्ल्ड के कलर्स हैं जो साइंटिफिकली। हाँ, जब वो सेल्फ हिप्नोटिज्म पर जब मैंने काम किया था, तब वो अंदर में मुझे जो कलर्स दिखे थे वो पेंट किए थे। तब एक साइंटिस्ट भी उन्हीं दोनों एग्जीबिशन में आए और उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि जब कॉन्शियस अनकॉन्शियस लेयर में जाते हैं तो इस कलर में परिवर्तन होता है, कलेक्टिव में जाते हैं तो इसमें, और कॉस्मिक अनकॉन्शियस में जाते हैं तो ये कलर। तो मैंने कहा कि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैंने पेंट किया। तो वो कहते हैं हम लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं और एग्जैक्टली यही कलर्स आते हैं। तो मतलब साइंस भी प्रूफ कर रही है चीज़ों को, नहीं तो हमारे एक्सपीरियंसेस इतने हैं, लोग तभी मानते हैं जब कोई चीज़ साइंस प्रूव कर दे, नहीं तो हम लोग मानते नहीं है लोग। तो कहीं ना कहीं बहुत गहरा संबंध तो है अध्यात्म और साइंस का, पर अच्छा है चीज़ें प्रूव होती जाएंगी और लोग मानते जाएंगे। नहीं तो जो लेमन है वो एटलीस्ट आपकी जो पेंटिंग्स देखते हैं बिना साइंस को जाने हुए भी एक तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। जी, क्योंकि मेरी उसमें पूरी मेडिटेटिव एनर्जी, जब आप सोचिए कि एक पेंटिंग में ऑलमोस्ट 3 महीने मुझे लगते हैं बनाने में, तो 3 महीने एक पेंटिंग के साथ मैं पूरा हूँ, 8 घंटे दे रही हूँ उसको, तो पूरी मेरी जो एनर्जी है उस पेंटिंग में चली जाती है। और जैसे ही मेरी पेंटिंग, क्योंकि मुझे अटैच नहीं होना है, आप 3 महीने तो मैं, लोग मेरे से पूछते हैं कि तुम्हारी बेस्ट पेंटिंग कौन सी है, फेवरेट पेंटिंग कौन सी है, तो मैं जिस पेंटिंग पर जिस वक्त काम कर रही होती हूँ वो मेरी फेवरेट पेंटिंग होती है। टोटली मैं उसमें होती हूँ, अपना पूरा इनर उसमें उड़ेल देती हूँ। यू आर इन द नाउ एट दैट टाइम। और जैसे ही वो पेंटिंग मेरी कंप्लीट होती है, मैं उसको लिटरली टच करती हूँ और उसको कहती हूँ कि नाउ आई एम डिटैचिंग फ्रॉम यू, और उसको फिर दूसरे रूम में शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि अटैच नहीं होना है मुझे। 3 महीने में आप किसी के भी साथ रहोगे तो आप बहुत अटैचमेंट हो जाएगी आपको। तो पेंटिंग है जिसको इतने दिल से बनाया है, एक एक माइन्यूट आपने देखा है कितना काम किया बहुत, हुआ है बहुत। तो बहुत अटैचमेंट जायज है, पर मुझे अटैच नहीं होना है उससे भी। तो उसको जब जैसे ही वो दूसरे रूम में शिफ्ट होती है और मेरा अटैचमेंट वहाँ से खत्म। ये भी अपने आप में आपने सीखा तो है, बट ये भी तो एक टेम्पटेशन होती है ना, टू बी अलर्ट ऑल द टाइम कि अटैचमेंट ना हो। वो मेरे अंदर ही आ गई है बात, क्योंकि वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा डिटैच पर्सन हूँ। सब लोग बहुत दुखी रहते हैं मेरे से कि मैं उन्हें फ़ोन नहीं करती, मैं उनसे टच में नहीं रहती, मेरे फ़ोन पे से आउटगोइंग कॉल हार्डली होता है। क्योंकि इतना डिटैच्ड हूँ मैं, अंदर अपनी दुनिया में इतना मस्त हो गई हूँ ना कि बाहर की दुनिया कोई मैटर ही नहीं करती है मेरे लिए। प्रतीक्षा जी, आपने अपनी अंदर की दुनिया हमारे साथ शेयर की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम श्योर पीपल विल फाइंड देयर हैप्पीनेस थ्रू योर कलर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन अ प्रोग्राम।